Hi everyone, welcome back to an Explore Literature. In this video, we are going to discuss Unit 3 of your GE course, Ideas in Indian Political Thought, jiska first part hum already discuss kar chuke the, Swami Vivekanand Culture and Nationalism. Ab uske second part ko hum discuss karenge, to agar aapne first part ko check out nahi kiya hai, to pehle wo dekh lijiyega, taki aap is part se jo sari cheeze hain wo relate kar paye. So without wasting much of our time, now let's start the topic. सो फर्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंद कि जो विवेकानंद जी थे उनके पॉलिटिकल व्यूज क्या थे. तो विवेकानंद जी थे जो फेथ नहीं करते थे पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब कि उनको पसंद नहीं था पॉलिटिक्स, उनका कोई विश्वास नहीं था पॉलिटिक्स के अंदर, इसलिए वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते थे किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या फिर मूवमेंट के अंदर. लेकिन जो फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स है वो फाउंड है इनकी स्पीचेस के अंदर एंड राइटिंग्स के अंदर. मतलब ऐसा है कि इनको जो फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स चल रहा था वो नहीं पसंद था, लेकिन इसका जो फॉर्म है उनकी स्पीचेस में देखने को मिलता है, जो कि वेस्ट के जो थिंकर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं. देन द सेकंड थिंग इज फेथ इन एबिलिटी एंड डिग्निटी ऑफ अ पर्सन. तो ये किस तरीके से पॉलिटिकल व्यूज अपने रखते थे. इनका फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि हमें नेशन को कैसे देखना है एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. इसलिए जो एक आदमी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस ग्रुप के अंदर. अगर एक आदमी सुधरेगा तभी हम उस पूरे ग्रुप को सुधार पाएंगे एंड देन ओनली अ नेशन कैन डेवलप. तो इस तरीके के विचार रखते थे. देन द सेकंड थिंग इज बिलीफ इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी. तो विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सारे आदमी है ना उनके अंदर एक ही सोल है जो कि भगवान ने दिया है, और एक जो इंसान का इंसान के साथ रिलेशनशिप है वो लव और सर्विस वाला है, इसलिए सारे लोग स्पिरिचुअल तौर पर इक्वल हैं, किसी को ऊंचा नीचा ना समझा जाए. देन द नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स कि जो सारे लोग हैं उनको कुछ नेचुरल राइट्स मिले हैं, एंड हिज नेचुरल राइट्स वर नॉट ओनली कंसर्न्ड विद रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स बट ऑल्सो अबाउट द अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. मतलब कि सारे लोग हैं जो उनके पास नेचुरल राइट्स हैं और सभी को उनके अधिकार मिलने चाहिए. उनका मानना ये नहीं था बस कि लोगों को उनके नेचुरल राइट्स मिले, बल्कि उनको और ज़्यादा प्रेरणा मिले, और ज़्यादा अवसर मिले, दैट इज अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो हर तरीके से काम कर सके फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तौर पर. उनके कोई भी बाधा ना आए ऐसे काम में, ताकि वो अच्छी तरीके से अपने नॉलेज का यूज़ कर सकें एंड फुल यूटिलाइजेशन हो सके उनके जो भी पावर्स हैं, स्किल्स हैं और नॉलेज है. देन इज प्रायोरिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी कि इंसान के राइट से पहले उसके पास ड्यूटीज आनी चाहिए. जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, साथ में कुछ ड्यूटीज दी गई हैं. तो वहां से भी रिलेट कर सकते हैं कि हमें अगर फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो हमारे देश के लिए कुछ ड्यूटी भी है कि हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है, कहीं तोड़फोड़ नहीं करनी, सभी रिलीजन्स को इक्वल तरीके से ट्रीट करना है, हमारे नेशनल एंथम, हमारे जो भी नेशनल फ्लैग है उनका रिस्पेक्ट करना है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी ड्यूटीज़ हैं. तो ये ड्यूटीज़ आपको डिस्चार्ज करनी है आउट ऑफ एनी ग्रीड या फिर ऐसा कुछ, मतलब आपका सेल्फलेस होना चाहिए बिहेवियर टू योर नेशन. देन द नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल स्टेट कि एक आइडियल स्टेट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हर आदमी को इक्वल राइट्स मिले, उसको इक्वल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए. किसी भी आदमी को ऐसा मेन स्ट्रीम से आपको बाहर नहीं करना है, आपको हर एक इंसान को साथ में लेके चलना है सो दैट यू कैन डेवलप एज अ नेशन. ऐसा हमें किसी पर्टिकुलर कास्ट, किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का डेवलपमेंट नहीं करवाना है. हमें अपने देश को ऐसा एक फ्रीडम के साथ आगे बढ़ाना है विद डेवलपमेंट. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो तभी आएंगी जब सारे लोग डेवलप होंगे, जब ऐसा हर एक आदमी की समृद्धि होगी तभी देश है जो वो समृद्ध कहलाएगा. अदरवाइज यू जस्ट कैन नॉट बी डेवलप्ड अगर आपका एक ग्रुप या फिर एक स्ट्रेटा है जो वो सिर्फ डेवलप्ड है. देन द नेक्स्ट इज इंटरनेशनलिज्म इन वर्ल्ड ब्रदरहुड. जो विवेकानंद जी थे वो बहुत ही एक ट्रूली इंटरनेशनलिस्ट थे, और जब ये ऑल रिलीजियंस कॉन्फ्रेंस इन शिकागो के अंदर पार्ट लेते हैं तो वहाँ पे भी जब सारे डेलीगेट्स अपने अपने भगवानों की ऐसे तारीफ करते रहते हैं तो वहाँ पे भी विवेकानंद जी हैं जो वो एक यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते हैं कि जो सारे रिलीजियंस हैं वो एक ही भगवान ने बनाई है. सारे रिलीजियंस पॉसिबल हैं, ऐसा नहीं कि आपको किसी एक ही भगवान का पूजा करना है, जहाँ पे आपका विश्वास है आप वहाँ करिए. सारी जो रिलीजियंस हैं वो भगवान की तरफ ले जाने का आपको रास्ता प्रदान करती है, और सल्वेशन का जो है वो ट्रू पाथ है. नाउ कम्स द सोशल फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद.
कि वो सोशल फिलॉसफीज थी जो कौन कौन से किस पे बिलीव करते थे, किसको रिजेक्ट करते थे. तो सबसे पहला आता है कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी. तो विवेकानंद जी काफ़ी ऐसा स्ट्रांगली अपोज करते थे कास्टिज्म को, और वो एक्सपोज भी करते हैं अथॉरिटेरियन एटीट्यूड ऑफ ब्राह्मिन्स को कि भाई ये जो ब्राह्मिन्स हैं वो अपने आप को तो बड़ा ऐसा दिखाते हैं कि या वी आर द सुपीरियर वन, एंड जो ऐसा डिप्रेस्ड क्लासेस हैं जिनको हम दलित्स बोलते हैं या फिर लोअर क्लास, उनको दिखाते हैं कि ये तो सोशल स्ट्रेटा का पार्ट ही नहीं है, ये तो बस लाइक एलियंस हैं, दे आर आउट ऑफ नोवेयर हेयर. ठीक है, तो वो जो सारी चीज़ें थी दोज वर वेरी बैड, और हमें हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. दैट इज ऑल अबाउट रिलीजन. रिलीजन हमें क्या सिखाता है कि हमें एक दूसरे को एज अ ह्यूमन ट्रीट करना चाहिए. कोई रिलीजन ये नहीं कहता कि यू जस्ट फोकस ऑन योर पर्टिकुलर कास्ट. ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ सोसाइटी को तोड़ने की चीज़ें रहती हैं, ये यूनाइट नहीं कर पाएंगी आपको कभी भी. यू हैव टू थिंक ऑफ द लार्जर गुड कि ह्यूमैनिटी क्या है. ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है, आपको उसके बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए. सो दिस वॉज द फिलोसफी ऑफ दिस स्वामी विवेकानंद जी. नाउ द सेकेंड इज आइडियाज अबाउट आइडल वर्शिप. तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो अपोज नहीं करते थे आइडल वर्शिप को. उनके अकॉर्डिंग ये जो आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड को प्रिपेयर करता है गोल्डी एक्सपीरियंस के लिए. आप जब भगवान में लीन होते रहेंगे तो आपको एक फॉर्म दिखेगा, उसके बाद आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं. तो एक इनिशियल स्टेज आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. देन दिस सपोर्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज. जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो बिलीव करते थे कि जो हर एक सिविलाइजेशन है या फिर कल्चर है उसका एक स्पेशल लाइफ सेंटर है, उसके कुछ मेजर फीचर्स हैं जो कि उसको अलग बनाते हैं दूसरे रिलीजन या फिर दूसरे कल्चर सिविलाइजेशन से. इसलिए आपको अपने जो कल्चर सिविलाइजेशन है उसके ओरिएंटेड रहना चाहिए और उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए. देन द फोर्थ वन इज कॉन्जर्वेटिव एंड कॉम्युनल व्यूज. तो विवेकानंद जी सिर्फ स्पिरिचुअलाइजेशन, सेक्युलराइजेशन या फिर ऑल रिलीजन हार्मनी की ही नहीं बल्कि स्टीरियोटाइप्स को हटाने की भी बात करते थे कि भाई जो ये इरेलीवेंट जो कस्टम्स रिचुअल्स बना रखे हैं ना, ये जो रिलीजन के नाम पे आप कुछ भी कर रहे हो, रिलीजन के नाम पे किसी को मार दिया, मॉब लिंचिंग हो गया, तो ये चीज़ें बहुत ही अलग है. मतलब दिस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ सोसाइटी. आप रिलीजन के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा टॉलरेंस रखना पड़ेगा. अब एक जो ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि ओके इफ वी फॉलो सर्टेन रिलीजन तो हमें दूसरे रिलीजन के लोगों को देख के बस कुछ भी बोलना है, हेट स्पीच फैलाना है, तो ये हमारी संस्कृति का, हमारी सोसाइटी का ये पार्ट नहीं है और ये कोई ह्यूमैनिटी नहीं होता है. तो वी हैव टू थिंक रेशनली अबाउट एवरीथिंग कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, तभी हमें कुछ करना चाहिए. किसी सो कॉल्ड आदमी के ऐसा इन्फ्लुएंस में आके हमें चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट इनफ टू थिंक कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है. अभी हम उस स्टेज में हैं क्योंकि बेसिकली पीपल विल बी इन फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स ऑफ योर ग्रेजुएशन. तो आप इतना ऐसा एज अटेन कर चुके हैं कि आप इस चीज़ को रैशनली सोच सकें. जब आप 18 साल के वोट दे सकते हैं तो क्या आप ये इतने जो कॉमन इश्यूज़ हैं उन पर नहीं सोच सकते? तो दैट शुड बी योर मेन कंसिडरेशन कि आप अपने पहले फिलॉसफी को, अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा ठीक करिए और आपको किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, देन ओनली यू हैव टू थिंक अबाउट इट. देन इज चाइल्ड मैरिज. तो जो विवेकानंद जी हैं वो अपोज करते थे प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज को. अकॉर्डिंग टू हिम जो चाइल्ड मैरिज है उसकी वजह से जो बच्चे हैं उनके ऐसा हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. इसकी वजह से जो चिल्ड्रन हैं वो अपना हेल्थ तो गंवाते ही हैं, फिर जो मदर और चाइल्ड है क्योंकि फिर अर्ली प्रेगनेंसी होगी तो उसकी वजह से जो औरतें हैं उनको बहुत ज़्यादा ऐसा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ही न्यू एंड ही वॉज टोटली अपोजिंग दोज. नाउ कम्स लैक ऑफ एजुकेशन. तो एजुकेशन के बारे में विवेकानंद जी बोलते थे कि ये बहुत ही मिजरेबल कंडीशन है कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है. एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमेशा एक आदमी के पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके. वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या फिर किसी भी फैक्टर से अलग नहीं है, सभी लोग इक्वल हैं और हर आदमी को एजुकेशन मिलना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास एंड दिस ऑल द फैक्टर्स विच आई मेंशन. देन इज पॉवर्टी. तो विवेकानंद जी को ये भी ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छे से पता था कि कैसे एक सर्टेन जो सेक्शन सोसाइटी है उनको एक्सप्लोइटेड रखा जाता है. तो वो सारी चीज़ों के लिए भी वो ऐसा काम करते हैं और बताते हैं. उनका थ्योरी है इस चीज़ के बारे में कि भाई आदमी को क्या करना चाहिए,
इतना तो उसको मिलना चाहिए कि वो पुअर ना रहे, दो टाइम का खाना खा सके. ही यूज टू से दैट टॉकिंग अबाउट रिलीजन टू अ हंग्री मैन वॉज फ्यूटाइल. कि आप रिलीजन की बात नहीं कर सकते हो एक गरीब आदमी के साथ. एक गरीब आदमी का सबसे पहला कंसर्न है अपना पेट भरना. अब मैं जाके गरीब आदमी को बोलने लगूँ कि भैया G20 हो रहा है, बहुत आपको प्राउड होना चाहिए, हमारा देश G20 ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो उस आदमी को क्या पड़ा है G20 का. फॉर हिम शाम का खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि भाई मुझे शाम का खाना मिल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. ठीक है, मुझे G20 हो या G50 हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. तो पॉवर्टी में इंसान सबसे पहले अपने पेट की सोचेगा, अपने बच्चों की सोचेगा, देन ओनली ही विल थिंक अबाउट समथिंग एल्स. देन द लास्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन. कि रिलीजन के बारे में विवेकानंद जी के क्या विचार थे. तो ही थॉट अबाउट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म. कि जो हिंदुइज्म है वो एक यूनिवर्सल सिंबल है ह्यूमैनिज्म का. कि ये ह्यूमैनिटी की बात करता है, स्पिरिचुअल आइडियलिज्म की बात करता है. एंड ही बिलीव्ड कि जो फ्यूचर में रिलीजन है, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन नेशनल लाइफ. कि रिलीजन कभी भी नहीं हटने वाला है इंडियन नेशनलिज्म से. एंड दिस इज़ वेरी एविडेंट टूडे ऑल्सो कि रिलीजन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें यू नो दंगे हो जाते हैं रिलीजन के नाम पर. तो वो इंसान बहुत कनेक्टेड है अपने रिलीजन के साथ, रिलीजन को ऐसा इंसान बिल्कुल भी गलत नहीं सुन सकता उसके बारे में. तो वो सारी चीज़ें बहुत हमारे ऐसा दिल से जुड़ी हुई हैं, आर सेंटिमेंट्स आर कनेक्टेड टू दिस रिलीजन. तो वो चीज़ वो बताते हैं कि एक यूनिवर्सल सिंबल है ये ह्यूमनिज़म का. लेकिन अभी द लैकिंग फैक्टर इज़ दिस कि लोग जो पूरा रिलीजन है उसके कॉन्सेप्ट को ही गलत समझ रहे हैं. बट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी, जो रिलीजन है उसका एक जो मॉरल बेसिस रहेगा, स्पिरिचुअल रूल्स रहेंगे और अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी की वो बात करेगा. देयर इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन. जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने 10-11 टाइम्स ऐसा ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिकागो, उसमें पार्टिसिपेट किया. एंड ही ओनली टॉक्ड अबाउट वर्ल्ड रिलीजन. कि एक वर्ल्ड का रिलीजन कैसा है और ह्यूमन बींग्स हैं जो वो यूनाइटेड रहेंगे, जो सारे रिलीजन है वो सेम है, वो ट्रुथ की बात करती हैं और आपको इसको लेके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर इक्वल. तो इसके साथ आपका ये जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है. आई होप आपको समझ आया होगा. कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy and stay blessed.